नगरीय निकाय के प्रथम चरण में चल रहा है बदायवास नगर परिषद के चुनाव में मतदाताओं में उत्साह दिखा। आपको बता दें कि दोपहर यहां पर काफी ज्यादा मतदान हुआ, दोपहर 1 बजे तक 55% मतदान हुआ। 8 साल बाद हो रहे चुनाव में बदायवास के मतदाता अपने मत का अधिकार नहीं दिखा रहे हैं। बता दें कि बदायवास नगर परिषद का चुनाव बड़ा ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि यहां पर नगर पंचायत की जो सीट है वो अनुसूचित जाति मुक्त है और वार्ड क्रमांक 2, 7, 8 की ही अध्यक्ष की सीट तय करेंगे। छोटे से चुनाव में अनुमान लगाना मुश्किल है कि सीट किसके पाले में जाएगी। अभी तक पिछले 30 साल से बदायवास नगर परिषद की सीट कांग्रेस के पाले में रही है। अब संध्या बीजेपी में चले गए हैं, जिसके कारण निम्न वर्ग के नेता बीजेपी में चले गए हैं। अब बता पाना मुश्किल है कि ये सीट बीजेपी के पाले में जाती है या फिर कांग्रेस के पास ही रहेगी। क्या है मतदान कम का कारण? समझ नहीं आ रहा, लेकिन हमारे यहाँ तो लगभग 50% क्रॉस कर चुका है। वार्ड नंबर 12 में 50% बढ़ जा चुका है। 11 बजे तक को लगभग 80 और 80 से ऊपर पहुँचाने का प्रयास करेंगे। मैं ओवल ओवर की बात कर रहा हूँ, बदरवास की। अगर अपन 11 बजे तक की बात करें तो रन्नौद में 61% था, कन्यादाना में 60% था, लेकिन बदरवास 40 पार नहीं कर पाए। कारण क्या रहा इसका? इसका मेन कारण तो कुछ नहीं, मतदाताओं क्यों आखिर जोश क्यों नहीं है या समय कम नहीं मिल पाया है, क्या बात है? अच्छा, ऐसा तो नहीं है कहीं कि चुनाव लेट हो रहे हों या फिर चेहरे का असर पड़ा हो? नहीं नहीं, लेकिन युवा मतदाता जो था उसको अलग, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर चुनाव साथ में हुए हैं इनका शायद कुछ असर हुआ। शायद नगर पंचायत में तो पहले चुनाव नहीं, जैसे मान लो नगर पंचायत और पंचायत सब सटा हुआ क्षेत्र है, यहाँ उस हिसाब से कहीं थोड़ा सा असर हुआ। जब दूसरी बार मैं ये बोला, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। हमने 2-3 जगह बात भी की है क्षेत्रीय विधायक पे। विधायक साहब 15 वार्डों में से 5 वार्ड में सिर्फ वोट मांगने गए, 10 पे नहीं गए, 7 पे नहीं गए, ऐसा कारण क्या बना? आप विधायक प्रतिनिधि हैं? नहीं नहीं, जैसे विधायक साहब की बात करोगे तो जैसे मैंने उनको आग्रह किया, मुझे अपने वार्ड पे आपकी जरूरत है, तो जहाँ तक ये साधारण शायद कारण हुआ है। अगर जिन लोगों को जरूरत नहीं है तो वो अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, उनके भी नेता आ रहे हैं। आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं उनके भी नेता आ रहे हैं, और जैसा कि मुझे लग रहा है कि मुझे ज़रूरत थी और लोगों को ज़रूरत थी, उनने बुलाया, विधायक साहब आए। अगर किसी ने बुलाया वो विधायक साहब को और नहीं गए हों, ये बात आप सिद्ध कर दीजिए। जो लोग चाहते ही नहीं है कि विधायक साहब आए हमारे में या जिलाध्यक्ष आए हमारे में, अगर बात की जाए वार्ड क्रमांक 3 में जो देश में सरकार है, जिस पार्टी ने टिकट दिया हो, जिलाध्यक्ष ने इसको घोषणा की हो, लेटर पैड में जारी हुआ हो, ऐसे तरीके का फार्म जमा होना और फिर निर्दलीय व्यक्ति को निर्विरोध घोषित करना और राष्ट्रीय पार्टी का फार्म खींचना, इससे कोई अंतर पड़ेगा? अंतर पड़ेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं घोर निंदनीय कार्य है। इसकी लगभग जिलाध्यक्ष जी, विधायक जी, पार्टी स्तर पर भी ऊपर बात पहुंचाई चुकी है और इसकी सभी लोगों ने निंदा की है। व्यक्ति विशेष क्या, कौन क्या चाह रहा है, ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे हमने टिकट किसी का किया, जैसे मेरा टिकट हुआ है, तो इसके बाद मैं उस टिकट को वापस कर दूँगी, जो है थोड़ा असर पड़ता है उस पर अपनी इमेज पर, तो ये अपनी अपनी इमेज है। बाकी इस बात को हमने पार्टी स्तर पर ऊपर तक पहुँचा दिया है और इस पर कार्रवाई भी होगी, विशेष नज़र रखी जाएगी, आगे से भी ध्यान दिया जाएगा कौन किस लायक है उसको ही टिकट दिया जाएगा, क्योंकि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसी हरकत